हेलो। देखो बेटा, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। इन लोगों को लड़वाना तो बहुत ही आसान काम है, इस जरा सी बात से कैसे इनके दरमियान गलत फहमियां पैदा हो गई। नीलम का फोन आ रहा है, सुनो। हेलो, नीलम बात कर रही हूँ। कैसी हो? ठीक हूँ मैं, और अपनी जिंदगी में बहुत खुश भी हूँ। लेकिन आपके देवर से ना ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए बार बार वो मुझे मैसेजेस करता है, कॉल्स भी। जुनेद तुम्हें क्यों फोन करेगा? तो मेरे घर तक आ गए। जुनेद तुम्हारे घर तक पहुंच गया? उनसे बात करवाओ। हेलो। देखो बेटा, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। आपको बहुत गलत फहमी हो रही है, बेटा ऐसा ही है, बल्कि शायद उसकी तो परवरिश में ही खो है। नीलम ऐसा क्यों कह रही? जुनेद उसके घर क्यों जाएगा जबकि उसे पता है कि वो अफान की बीवी है? जुनेद ऐसा कभी नहीं कर सकते। अगर वो आफान की बीवी नहीं भी होती तब भी जुनेद उसके घर नहीं जाते। ये हमारे बीच फूट डलवा रही है, आग लगा रही है। आप इसकी बातों में मत आएं। पहले मुझ पे इल्जाम लगाया, मेरी जिंदगी तबाहो बर्बाद कर दी, अजाब में डाल दी, और जुनेद के मेरे पास तो इसका नया नंबर तक नहीं है। जुनेद कैसे फोन कर सकते? लेकिन नीलम लगती तो नहीं है ऐसी। तो आंटी मैं आपको ऐसी लगती हूँ? वो लोग मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या बकवास करें, मेरे पे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। नीलम ऐसी नहीं है, जुनेद भी सही है, तो क्या सिर्फ मैं गलत हूँ? अबीर बस, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। जब तक जुनेद घर नहीं आएगा कुछ क्लियर नहीं हो सकता। मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे अपने शौहर जुनेद पे पूरा यकीन। हाँ वो जा सकते हैं, अफान को मिलने जरूर जा सकते हैं, लेकिन नीलम के साथ जुनेद की कोई बात नहीं। वो सिर्फ गलत फहमियां पैदा कर रही है, मेरी जिंदगी तबाह करने की कोशिश कर रही है, और हम लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर रही है, और कोई बात नहीं। हलीमा भी संभाले। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज सब्सक्राइब टू AY डिजिटल YouTube चैनल फॉर अमेजिंग कंटेंट।